फुल कोर्ट सितंबर में बनेगा, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, तो जब तक क्या सारे काम रोक दें? ये रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के मुनीजे? जी रिमार्क्स तो होते हैं, मगर अभी तक फैसला तो नहीं आया। और जहां तक फुल कोर्ट का सवाल है, तो अगर आप मुझे मुकम्मल करने चाहिए तो जी जी। अंदर जो इस्तदा है अदालत के सामने वो ये है कि क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर यही तीन जज साहिबान थे जो बैठे थे, जिसकी अभी तक तशरीह सही मायने में नहीं हो सकी। और अक्सर ये होता है, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ भी मैं हूँ, कि अगर आप एक जजमेंट देते हैं तो जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उसकी तशरीह जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो कि वो मामला वापस उसी अदालत के अंदर आ जाए जिसने फैसला किया हो और वो खुद ही बैठ के अपनी ही फैसले की तशरीह कर रहा हो। तो जो इस्तदा की गई है वो ये की गई है इरफान कादिर साहब की तरफ से कि जो जज साहिबान हैं, और उन्होंने अली जफर साहब को पॉइंट आउट किया, अली जफर साहब जो है इस वक्त परवेज राही को रिप्रेजेंट करें, उन्होंने कहा कि जी कोई जरूरत नहीं कि आप फुल कोर्ट बनाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अली जफर साहब की बात पे शक है, वो क्यों नहीं चाहते कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। ये मामला जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, एक बहुत बड़ा सूखा है, और अगर एक जज के लिए, और उनका इशारा काजी साहिब सीसा की तरफ से था कि अगर एक जज के कॉन्डक्ट के ऊपर 10 जज बैठ के फैसला कर सकते हैं, तो इतने बड़े सूबा के ऊपर जहां पे तमाम सूबा रुका हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है मार्च से, उसके ऊपर फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठ सकते?